इक्कू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मुंबई के महेम स्टेशन वेस्ट में। हम यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे अगला प्रधानमंत्री 2024 में कौन होगा, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और। तो बने रहिए इक्कू न्यूज के साथ। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? ऑफकोर्स नरेंद्र मोदी आएगा। हाँ, और राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? तीसरा कोई और। तीसरा कोई और? ये दोनों नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब, 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल। 24 में राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? हाँ, आपकी क्या राय है? नहीं, अभी सब तो एक ही घाट के है। हम अभी इस पे बेटर है कि कुछ नई सरकार बन के आवे, नई सरकार की, नया चेहरा चाहिए। डेफिनेटली इट्स बेटर फॉर। अब राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? नहीं, अभी तो आएगा राहुल गांधी। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि पुरानी सरकार है, वो चलाया है, बदलाव तो आना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान हो चुकी है, बेरोजगार हर चीज में हो गए हैं। मैं तो भाई मोदी को मोदी बोलता हूँ, कांग्रेस ही को जानता हूँ, बाकी और किसी को नहीं। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? मोदी, मोदी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों देखना चाहेंगे सर? क्योंकि अभी जो महंगाई हो गई है, इसके लिए नरेंद्र मोदी को नहीं चुनाव के लिए करने के लिए, इसलिए राहुल गांधी को मौका दिएगा। जो अच्छा काम करे उसको देखना चाहेंगे। जो अच्छा काम करे फिर भी आप किसको बोलना चाहेंगे? तीसरा कोई और रहना चाहिए। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी है, तीसरा कोई? राहुल जी। राहुल जी, राहुल जी क्यों सर? फेवरेट है। फेवरेट है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी है, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, महंगाई कम कीजिए मोदी जी साहब। रही बात नरेंद्र मोदी की 2024 में, तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाओगी आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? राहुल गांधी बनाओ। राहुल गांधी को क्यों बनाना चाहते? अरे कुछ मिलेगा उससे थोड़ा बहुत तो सहारा, और क्या है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? केजरीवाल। केजरीवाल। आप किसको देखना चाहेंगे? केजरीवाल। केजरीवाल। बोलो ना। केजरीवाल। केजरीवाल। यस, बदलाव भी आएगा, और जो एक्चुअली जो महंगाई वगैरह ये चल रही है वो ऑलरेडी देखो, दिल्ली में काफ़ी उन्होंने लेडीज़ को भी, और एक्चुअली उनको रहने के लिए यानी कि काफ़ी वो भी दिए हैं, मुफ्त वो भी चीज़ें दी हैं, बिजली जैसे पानी। एक्चुअली ये यहाँ पे मुंबई सिटी में ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली देखा नहीं, करप्शन, कूड़ा कचरा ये काफ़ी फैला हुआ है, क्लीन सिटी नहीं है, जिसको बोलते हैं मुंबई सिटी, ये क्लीन सिटी नहीं है। तो आप 2024 में फिर किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे? मैं केजरीवाल को। केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। यस, अरविंद केजरीवाल। बहुत शुक्रिया सर। आप किसको देखना चाहोगे? राहुल गांधी। क्या लगता है राहुल गांधी को देखना? आना चाहिए राहुल गांधी। उनके आने से क्या फर्क पड़ सकता है? महंगाई कम होगी ना, अभी तो अडानी के सब चमचे बटे हुए, जो भी है, हाँ, जो भी अडानी को जब फिर बेचा जा रहा, जो भी है प्रॉपर्टी, देश की प्रॉपर्टी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? कांग्रेस को। जी हम तो अभी राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? हाँ हाँ, वो कैसा है कि गरीबों के लिए, देश के लिए इतना अभी से कर रहे हैं, तो हम लोग को मतलब ऐसा जागृत रहना चाहिए कि आगे भी हमारे लिए अच्छा करेंगे। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे सर? अरे राहुल गांधी को एक बार आना चाहिए इसमें। आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से देश में बदलाव आएगा? पूरा बदलाव हो गया, आ जाएगा, बदलाव हो जाएगा। राहुल गांधी अगर जीत गया तो बदलाव हो जाएगा। राहुल गांधी और कौन है? राहुल गांधी अपना उधर, हाँ, बाकी सब कुछ नहीं इधर। कौन किसका ना सेवा करने वाला, ना किसको, गरीब लोगों करने वाला भी नहीं है। वो राहुल गांधी जो भी करेगा वो राहुल गांधी ही करेगा बस। नरेंद्र मोदी। मोदी जी हाँ, क्यों देखना चाहते? क्योंकि विकास अच्छा गया है। नरेंद्र मोदी। आप देखना चाहोगे 2024 में अगला प्रधानमंत्री, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नहीं नहीं, राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों देखना चाहते आप? क्योंकि वो जो है ना हमारे जैसा नौजवान है, वो बुढ़ा क्या करेगा अब, क्योंकि उसके औरत का भरोसा नहीं तो उसका क्या भरोसा। एक नंबर आज के बाजार में राहुल गांधी। हाँ, की जैसी सरकार जो आगे जो कांग्रेस की सरकार थी ना,
उसके जैसे सरकार आज कोई भी नहीं चला सकता है। वो खुद भी खाया है, गरीब को भी खिलाया है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखेंगे? अरे हमारा राहुल आज है, बहुत है, राहुल गांधी जी। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को? जी जी मोदी। क्यों देखना चाहते हैं सर? उनका काम अच्छा है, जो भी काम करते हैं देश के लिए करते हैं। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? जो भलाई करने वाला है उसके देखेंगे, देश के लिए पब्लिक के लिए जो भलाई करेगा ना उसके देखने के लिए इच्छा करते हैं। राहुल गांधी को? राहुल गांधी को देखना चाहिए। देख, मोदी ने जितने वादे किए, जैसे 15 लाख रुपया सबके खाते में आया, क्या नहीं आया? बोल, ये जो अडानी ने इतने करोड़ का जो घपला किया उसके बारे में अभी तक जाँच क्यों नहीं बैठा रहे? ये सब चीज़ों से हुआ। और हिंदू मुस्लिम इससे पहले नहीं, अभी समझ लीजिए कि 100 करोड़ आबादी हिंदुओं की, अगर हिंदू अभी भी खतरे में, 20 करोड़ मुस्लिम से अगर हिंदू खतरे में, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर अगली सरकार किसकी? कांग्रेस की। 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? ओवैसी को देखना चाहते हैं हम लोग तो। ओवैसी? जी बिल्कुल। क्या लगता है ओवैसी आने से देश में बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? मैं तो सर राहुल गांधी को ही देखना चाहूंगा। राहुल गांधी को क्यों देखना चाहेंगे सर? क्योंकि सर वो आएगा तो वो रोजगार देने वाला है। बोले तो नरेंद्र मोदी जी भी थे बट ये दिए नहीं, क्योंकि हम लोग बिहार से BSc करके भी यहाँ पर करियर का काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी आएंगे तो कुछ ज़्यादा उम्मीद है कि हमको जॉब मिले। आप किसको देखना चाहेंगे? वही राहुल गांधी, कांग्रेस आएगा तो अच्छा है, तो सब कुछ जिंदा रहे बस। सब कुछ क्या है, मोदी जी के राज में खुश नहीं है? नहीं, काम तो अच्छा किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रह गया कि मतलब कांग्रेस आएगा तो अच्छा रहेगा, बदलाव चाहिए थोड़ा सा। क्या चाहते हैं आप? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? ये नरेंद्र मोदी को चाहता हूँ। क्यों चाहते हैं? अब जो हो गया वो तो हो गया, अभी तो भविष्य का टाइम है ना, अब तो करने का है। आप किसको देखना चाहेंगे भाई 2024 में प्रधानमंत्री? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? लाइक करते हैं राहुल गांधी को। क्या लगता है राहुल गांधी के आने से देश में बदलाव आएगा? जी बिल्कुल आएगा। 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे आप? राहुल गांधी या फिर से नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी। मोदी जी को क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि इसने देश को थोड़ा चेंज किया है, थोड़ा टाइम हुआ है, अच्छा से कर रहे हैं। अगली सरकार किसको देखना चाहेंगे आप? मोदी को ही। बहुत शुक्रिया। आप किसको देखना चाहोगे भाई? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को देखना चाहेंगे? अभी सब कुछ उसी के तो मुद्दे उठाए हैं, देश में इतना महंगाई हो रहा है और बेरोजगारी हो रहा है, बाकी सारे मुद्दे को तो उसी वही देख रहा है, बाकी कोई तो है नहीं। ये सब जाति पाट झूठ फूस है, इधर उधर की बातें हैं, बस अपना अपना सबका पसंद है। हमारा कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार आएगा। मोदी सरकार क्या किया? लॉकडाउन बनाया, सब फकील बन गए देश के अंदर। ओके भाई साहब, आप किसको देखना चाहेंगे 2024 में? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी की फैन फॉलोइंग इसलिए दिख रही है क्योंकि उनके अंदर देश के लिए प्यार है। हाँ, तो उनके आने से आपको क्या लगता है देश में बदलाव आएगा? जरूर आएगा। ये 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? नरेंद्र मोदी को 2 बार चांस दिए उनको, उन्हें बोल वचन ज़्यादा दिया है, काम कम किया उन्होंने, तो अभी दूसरे को अभी चांस देना चाहिए, राहुल गांधी को चांस देना चाहिए। 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? मोदी जी को क्यों देखना चाहते? अच्छे आदमी लेंगे, इंसान से एक अपना तरह तरीके से जो बोलते हैं ना, लेकिन जो अपना पैसा लेके थोड़ा ज़रा बचत वृद्धि करो, अपना ये क्या है लेके ज़रा अपना फैमिली के लिए क्या है, कुछ नहीं है। सब लोग नरेंद्र मोदी, लेकिन नरेंद्र एक्चुअली जो इंडिया जो हिसाब से अभी है वो सब प्रिपेयर नहीं है, जो उनका सोच है ना वो सब प्रिपेयर नहीं है। बुलेट ट्रेन बोल के क्या हो, कितना दिन हो गया बुलेट चला, अभी तक नहीं चला है। 15 लाख आ गया तुम्हारे खाते में, आया क्या अभी तक है? आप बोलते हैं अच्छा, क्या आप बोलो, आपके लाइफ में क्या गया है? 10 साल होने के जा रहा है उनका जो PM बन के, आपका जो लाइफ में क्या परिवर्तन हो गया, कुछ चेंजेस है? इनकी बात का जवाब दीजिए, चेंजेस है क्या? तभी बोलो। नहीं देखिए सर, अभी क्या चेंजेस है बोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, है अच्छा लेकिन यस, लेकिन अभी कुछ नहीं, कुछ आपके लाइफ में चेंज हो गया है? बोलो सही बात। नहीं नहीं, आप खाना खाते हो तो लगना चाहिए ना। हाँ, आप बुखार का गोली खाते तो ये बुखार ठीक होना चाहिए, तभी उसका मतलब है ना। बराबर, मेरा बोलने का मतलब है कोई बुरा नहीं है, पॉलिटिक्स में सब चोरी है, वो कांग्रेस हो, BJP हो, शिवसेना हो, जो मानते हो सब लोग चोरी है, और नेता लोग चोरी है एक्चुअली। जो एक्चुअली जो अच्छा आदमी ना पॉलिटिक्स नहीं करता है, और राहुल आदमी का अच्छा दिल का अच्छा है,
वो बेचारा जो दिल पे आए बोल देता है, इसलिए उसको आदमी पप्पू बोलते हैं। एक्चुअली पप्पू नहीं है वो, दिल का अच्छा है और बहुत पढ़ा लिखा, वो पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको वो हिसाब से नहीं आता है। जो आप इंडिया का जो आदमी जैसे सोचते हैं ना, वो हिसाब से उसको पॉलिटिक्स करने को नहीं आता है, वो दिल का अच्छा आदमी है। 2024 में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे आप, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, तीसरा कोई और? ये तो युवा की पीढ़ी है, युवा तय करेंगे, क्योंकि जिस कंडीशन से अभी कोरोना महामारी और जिस तरीके से देश में महंगाई का सारे लोग झेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से लगता है कि हर एक इंसान को चांस देना चाहिए। नई पीढ़ी का जो राहुल गांधी है, मैं किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुकात नहीं रखता हूँ, लेकिन हर एक इंसान को चांस मिलना चाहिए। और जितना भी पॉलिटिशियन है यहाँ, कंपटीशन करे एक दूसरे को कि वो अगर अच्छा काम किया तो उससे ज़्यादा बेहतर काम करके दिखाए। लेकिन यहाँ ये होता है कि वो भ्रष्टाचार वो ले लिया तो वो उससे ज़्यादा मैं ले लूँ। सारे पार्टी चोर है, कोई दूध का धुला नहीं है, सारे चोर है, कोई कम है कोई ज़्यादा है। क्या देखना चाहेंगे 2024 में, किसको देखना चाहेंगे? बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि कोई नया चेहरा आए, नया चेहरा तो कोई तीसरा, कोई युवाओं के लिए, देश के लिए अच्छा काम करे। अब जॉबलेस बंदे लोग इतने सारे हैं, तीसरा कोई और चाहिए आपको? बस बहुत शुक्रिया सर, आप क्या कहेंगे, किसको देखना चाहेंगे? भाई मेरे कहने का मतलब 2024 में ना राहुल गांधी को एक दफ़ा मौका देना चाहिए, क्योंकि एक ईमानदार नेता दिख रहा है, और मतलब अमीर से लेकर गरीब का मतलब क्या है सब कुछ देख रहे हैं, मतलब और गरीबों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, दलित हो मुस्लिम हो, अब पिछले वर्ग के लोग हैं, सबका ख्याल रख रहे हैं, तो एक दफ़ा मौका देना चाहिए। उस जिसको पप्पू बोलते थे ना, पप्पू ने दूसरे को पप्पू बना दिया, ये बात सबको समझ में आ रहा है कौन है पप्पू, तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी को एक दफ़ा मौका देना चाहिए। राहुल गांधी को एक मौका देना चाहिए। देश में अगर डेवलप करना है तो सबसे पहली बात तो ये देश से, ये पॉलिटिक्स से जितना गंदा हो गया है, ये जात पात का भेदभाव जितना चल रहा है, ये चीज़ को जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। प्लस ये तरह हिंदू मुस्लिम ये आपस में जो लड़ाने का काम किया जा रहा है, षड्यंत्र रचाया जा रहा है, तो इससे हम लोगों को सीखना चाहिए और ये सतर्क रहना चाहिए। पॉलिटिशियन लोग का नुकसान नहीं है, वो लोग अपने बच्चे लोग को बड़े बड़े लंदन पेरिस में पढ़ाना लिखाना है, यहाँ किसी भी तरीके से काम दंगा फसाद होता है तो आम पब्लिक मारे जाते हैं बेचारे, खाने कमाने वाले लोग, ये चीज़ पब्लिक को समझना पड़ेगा। और लग रहा है कि कुछ लोग तकरीबन 80-75% पब्लिक समझ रही है इस चीज़ को कि कौन पार्टी बेहतर है और कौन पार्टी हमारे भविष्य के लिए बुरा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो पॉलिटिक्स के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए तो जो भी है वो बीजेपी सबसे बेस्ट है, जो देश के लिए जो काम करे वो अच्छा, बस यही देखिए। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं जो आप इन भाई ने बोल दिया है कि जो दूध से धुली कोई नहीं है, लेकिन जो मैं बता, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपनी अपनी रख सकते हैं आप, मेरे नहीं, मैं तो वो बता रहा हूँ, मतलब जो है ना चलने वाली पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस है, जो हिंदू मुसलमान और छोटी बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो सबको साथ लेके चलने वाली कांग्रेस है। एक बार राहुल गांधी को मौका देना चाहिए। आपको लगता है कि एक बार मौका देना चाहिए उनको? कोई मौका जरूरत भी नहीं है, जरूरत ही नहीं उनकी। अभी आप पाकिस्तान देख रहे हो या फिर श्रीलंका देख लीजिए, जिनको खाने का वादा है, इन्होंने लॉकडाउन में था तो सबको फ्री में अंदाज दिया, क्या उसके घर पे तो होता नहीं है? मोदी जी बोल रहे हैं या कोई भी जो भी कर रहे हैं पॉलिटिक्स, वो तो ठीक है। महंगाई भी तो हो रही है, वो अच्छे काम कर रहे हैं, सारा काम अच्छा किया, ये चीज से ठीक है, लेकिन महंगाई कहाँ जा रही है सर जी? महंगाई क्या उनके बारे में क्या, जो कांग्रेस था ना, कांग्रेस उनके क्या महंगाई कम थी? कम नहीं था मेरे से कांग्रेस के तो वो टाइम था सर। आप जो अभी मैं बता दूं, आप जो इस पे आगे वो भी बता दे दो, पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहले पार्ले जी था, समझ रहे थे, जो मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मली, जैसे जो पार्ले जी था, अभी आप कंपनी में काम तो कौन करे, अपन लोग ही करें, कोई कंपनी तो अपने आप तो चलती नहीं, कोई भी ए पार्ले जी नहीं, ए टू जेड ऑल कोई भी कंपनी। अभी आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे मुझे 10,000 में काम करें, मैं पहले 10 में जब मैं बॉम्बे, आपको आपको लगता है कि नहीं महंगाई बढ़ेगी? नहीं कुछ नहीं, जो भी है ये बराबर ही है, जो बराबर है क्या उनके हिसाब से, वो उनका थॉट्स है, उनकी थिंकिंग है, वो तो कुछ ऐसे लोग जो इससे डबल भी महंगाई हो जाए तो उसके लिए बोलेगा बेस्ट है। सबसे बड़ा मुद्दा जीएसटी है, जीएसटी खत्म होना चाहिए, कुछ भी बचा है, दूध ऐसी चीज जो हर बच्चे हर एक घर में, उस पे जीएसटी है ना, बटर मक्खन जो है उस पे जीएसटी, खाने पीने का भी तो चीज पे नहीं छोड़ा, तो जनता का ख्याल कहाँ है? बस कुछ परसेंटेज है उनका अपना फेवर में, बस उन्हीं के लिए काम हो रहा है कि सच बात जो हक बात बोलने वाला है
उनको अरेस्ट कर लिया जाए किसी ना किसी तरीके से, कोई बहाना लगा के। हक बात बोलने वाला अगर कोई कुछ बोले किसी के खिलाफ तो उसको ये साबित कर दिया जाता है कि वो फला पार्टी से बिलोंग कर रहा है, फला पार्टी में ज्वाइन है, वो उसकी भाषा बोल रहा है। मालूम ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है और पत्थर की गवाही है। दोस्तों ये है देश की जनता जो सरकार बनाती और सरकार गिराती है। कैमरामैन वसीम खान के साथ मैं ऐज अहमद खान, देखते रहिए डिक्पू न्यूज। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.